Assalamu alaikum, Nazreen. This is Bindia, film, television and theater actress and singer from Pakistan. Aaj hum jis mauzu pe baat karna chahenge wo hai palmistry with Akbar Sarhadi. Akbar Sarhadi sahab bahut hi pyare palmist hain, bahut hi sahi batate hain. Haath dekhte hain to bas aap logon ka dil khush ho jayega. इस कदर सही बातें बताते हैं. हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था. तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इनसे राबता कीजिए. पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं. बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे राबता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे राबता कर सकता है. सबसे पहले यूट्यूब चैनल देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को लाइक करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया. इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें. आज मैं आपको बताऊँगा कि हाथ में सपोर्ट लाइन यानी मदद वाली लकीर कौन सी होती है, ठीक है, और परेशानी की लकीरें कौन सी होती हैं और मदद वाली लकीर कौन सी होती है जो उन परेशानियों को रोक देती है, और बाज़ परेशानियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि वो सपोर्ट लाइन जो है उसको भी तोड़कर गुजर जाती है, ठीक है. तो आप हाथ के जो स्केच बना हुआ है इसको आप गौर से देखें और समझें कि कौन सी लकीर क्या होती है, आपको समझ खुद आ जाएगा. सबसे पहले हम बनाते हैं ज़िंदगी की लकीर, ठीक है, उसके साथ ये दिमाग की लकीर, फिर ये दिल की लकीर और ये फिर किस्मत की लकीर, ठीक है. ये हाथ में जिन्हें जो मास्टर लकीरें होती हैं, ख़ास लकीरें जिनको कहा जाता है, वो ये होती हैं. उसके बाद तासुराती लकीरें. तासुराती लकीरों का मतलब है कि परेशानी की लकीरें, वो लकीरें जो आपकी ज़िंदगी की लकीर पर अटैक करती हैं और आपको परेशान करती हैं. ऐसे बहुत से बेशुमार हाथ हैं कि जिनके हाथ में परेशानी की बहुत ज़्यादा लकीरें होती हैं, और जिन हाथों में सपोर्ट लाइन होती है वो हाथ जो होते हैं हिफाजत में रहते हैं. सबसे पहले यहाँ से आने वाली जो लकीरें हैं, जो यहाँ से आती हैं, ये देखें, ये छोटी छोटी लकीरें आपके हाथ में होंगी, ये लकीरें जो होती हैं उनको हम तासुराती लकीरें कहते हैं. तासुराती का मतलब ये है कि परेशानी वाली लकीरें. और नीचे ये ज़िंदगी की लकीर के ऊपर एक चल रही है सपोर्ट लाइन, ये है सपोर्ट लाइन. ये जितनी लकीरें ऊपर से आती हैं ये लकीर उनको वहाँ ब्रेक कर देती है और वो परेशानी आपको पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाती है. और अगर ख़त्म ना हो तो उसका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल बन जाता है, अमूमन ये होता है. और बहुत से हाथ मैंने ज़िंदगी में ऐसे देखे कि जिनके हाथ में बेहिसाब लकीरें थी, आप भी अपने दोस्तों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में देखें, उनके हाथ में आपको बेहिसाब लकीरें नज़र आएंगी. बेहिसाब लकीरों का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा परेशानी. जितनी कम लकीरें होंगी उतना ही हाथ बेहतर होगा और उतना ही लक अच्छा होगा. ये ऊपर से आने वाली लकीरें परेशानी की लकीरें, और नीचे जो सपोर्ट लाइन है ये, अब जो ये सपोर्ट लाइन मैंने ये बनाई है इसको आप कर लें, ये समझें कि ये शुरू हुई है 10 साल की उम्र से शुरू हुई, फिर इसको 10 साल, 20 और ये 30 और ये 40 और 50, यानी 50 की उम्र तक तो ये सपोर्ट लाइन आपकी मदद करेगी, उसके बाद इसकी मदद ख़त्म हो जाती है. इसी तरह ये सपोर्ट लाइन जो है ना, ये ज़िंदगी की लकीर के साथ जो है, ये दिमाग की लकीर के साथ भी हो सकती है, ठीक है, और किस्मत की लकीर के साथ भी हो सकती है. किस्मत की फिर हम कहेंगे दोहरी लकीर, यानी डबल लकीर, ठीक है. इसी तरह दिल की लकीर के साथ भी हो सकती है, इसको फिर हम कहेंगे दिल की डबल लकीर, ठीक है ना. लेकिन ऐसा देखा बहुत कम है मैंने ज़िंदगी में कि दिल की डबल लकीर हो. किस्मत की डबल लकीर मैंने देखी है और दिमाग की डबल लकीर देखी है, ज़िंदगी की डबल लकीर देखी है, लेकिन ये डबल लकीर नहीं देखी, ठीक है, दिल की. लेकिन होती है किसी किसी हाथ में ऐसी होती है. लेकिन अगर आपके हाथ में यहाँ से कोई लकीरें आ रही हैं और कोई लकीर अगर इसको, ये सपोर्ट लाइन जो है इसको क्रॉस करके आपकी ज़िंदगी पे आ जाती है, ये जिस तरह मैंने बनाई है, तो ये समझें कि कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा मसला जो डायरेक्ट आपकी ज़िंदगी पर अटैक कर रहा है, ठीक है, ज़िंदगी पर अटैक कर रहा है. और यहाँ से कोई लकीर निकल के, ये जो ना जैसे ये चल रही हैं, ये साथ में सपोर्ट लाइन के साथ ये दो तीन लकीरें और चल रही हैं, ये लकीरों से अगर कोई लकीर निकल कर, ये लकीर निकल कर यहाँ, यानी दाग से शुरू होती है, एक नुक्ते से शुरू होती है, और यहाँ आकर ये जो सेहत की लकीर, यानी जो ये सेहत की लकीर जा रही है इसके पास से ये जाती है,
या इसको क्रॉस कर जाती है या इसके पास जाके अगर ये इस तरह का बनाती है तो इसको हम कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको बवासीर वगैरह की शिकायत हो सकती है। ठीक है, तो इसका एहतियात ये है कि कोशिश करें कि सदका दें और इसके अलावा किसी अच्छे मालिश से मशवरा करें ताकि ये मामला ख़त्म हो। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि यहाँ दाग से शुरू होगी और दाग पे ख़त्म होगी। ठीक है ना, ये जैसा ना यहाँ से शुरू हुई, ये सपोर्ट लाइन के नीचे से शुरू हुई, ज़िंदगी की लकीर से दिमाग की लकीर को, किस्मत की लकीर को अबूर करती हुई ये जाके उधर पहुँची, या किस्मत की लकीर सेहत की लकीर को अबूर करके उसके पास पहुँची, उसको काटा नहीं, उसके पास जाके एक स्टार बना रही है, कोई निशान बना रही है, तो ये खून में बवासीर की अलामत जाहिर करता है। तो इसका आप जो ना अच्छे मालिश से इलाज करवाएं तो ये आप ठीक भी हो सकते हैं, और ये वक़्त से पहले अगर आगाही हो जाए तो बहुत बेहतर है ताकि उसका इलाज भी हो जाए। और बात हम करें तो सपोर्ट लाइन की और हम निकल गए किसी और तरफ, क्योंकि ये भी तासराती लकीर की एक किस्म है, तो कोई लकीरें ऐसी होती हैं जो यहाँ से निकल के डायरेक्ट जनी इसको काट रही हैं ज़िंदगी की लकीर को और फिर ये किस्मत की लकीर को भी काट रही है। ठीक है, अगर किसी के हाथ में ऐसा है पहले तो ज़िंदगी को मुतासर करेगी और फिर ये किस्मत की लकीर को मुतासर करेगी। ऐसी लकीर आप अपने हाथ में चेक करें या अपने दोस्तों के हाथ में चेक करें तो उनको आगाही ज़रूर दें, लेकिन पहले अच्छी तरह समझ लें, देख लें, उसके बाद शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। तो सबसे पहले जो हमें सवाल भेजा है शकील अहमद साहब ने भेजा है शेरकोट से, जिसको मैं पसंद करता हूँ, शादी उससे होगी या नहीं होगी? अहमद शकील साहब, आपकी शादी तकरीबन पसंद की होगी और कामयाब शादी रहेगी। उसके बाद सवाल किया है गुलाम मुस्तफ़ा ने राजनपुर से, मेरे हाथ में दौलत कितनी है? प्यारे दोस्त, आपके हाथ में कामयाबी की लकीर तो मौजूद है, दौलत की लकीर नज़र नहीं आ रही। इसके बाद सवाल किया है फरहान रफीक साहब ने सवाल किया क्वेटा से, शादी कब होगी और कहाँ होगी? आपकी शादी अपनों में होगी और शादी कामयाब रहेगी। उसके बाद अगला सवाल किया है जाहिद ने, क्या मेरे हाथ में दौलत की लैन है? आपके हाथ में कामयाबी की लकीर मौजूद है और दौलत की लकीर भी मौजूद है, लेकिन दौलत आने में कुछ टाइम लग सकता है। जाहिद साहब ने ओमान से सवाल किया। उसके बाद अगला सवाल किया है फारूक साहब ने दुबई से, मेरे पास दौलत कब आएगी और किस्मत कैसी है? किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, दौलत आपके पास 2021 में आएगी और बहुत ज़्यादा दौलत आएगी। उसके बाद अगला सवाल किया है मोहम्मद फहीम ने खुशाब से, किस्मत के बारे में बताएं कैसी है? आपकी किस्मत अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी है, लेकिन उसको बनने में 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। अगला सवाल किया है रिमशा ने इस्लामाबाद से, क्या मैं आर्मी में कैप्टन के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगी? बिल्कुल, देखें कोशिश करें तो इंसान कौन सा काम नहीं कर सकता, और आपके हाथ में तो कामयाबी की लकीर भी मौजूद है और आपकी सेहत की लकीर भी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी है। उसके बाद अगला सवाल किया हसनैन रजा ने इस्लामाबाद से, मेरी किस्मत में कामयाबी और दौलत कब आएगी? आपकी किस्मत में शुरू से ही दौलत है, और अगर बहुत ज़्यादा दौलत की पोजिशन है तो वो बन रही है 2019 में, 2019 के लास्ट में आपके पास दौलत आएगी और कामयाबी मिलेगी। उसके बाद सवाल किया है हैदर ने कराची से, दोनों हाथों पर सन फिंगर के नीचे निशान है, इसका क्या मतलब है? सन फिंगर के नीचे निशान होना या सितारा होना या कोई और ऐसी चीज़ होना, ये तो बहुत अच्छी अलामत है और इसको हम कामयाबी कहते हैं। ठीक है, अगर उसमें अगर कोई जजीरा है तो बदनामी की अलामत है, अगर सिर्फ लकीर है या कुछ ऐसा है तो वो बहुत अच्छी अलामत है और आपके हाथ में जो मौजूद है वो कामयाब है और बहुत बेहतर है। उसके बाद अगला सवाल किया है ईमान ने रावलपिंडी से, शादी किस उम्र में होगी और क्या मुल्क से बाहर जाऊंगी? आपके हाथ में मुल्क से बाहर के सफ़र तो मौजूद हैं, लेकिन सफ़र आने में 2 से 2.5 साल का अरसा लग सकता है। उसके बाद अगला सवाल किया है आसमा ने पिंडी से, मैं बाहर मुल्क कब जाऊँगी? आप जब चाहें जाएँ, आपके हाथ में तो सफ़र की बेशुमार लकीरें मौजूद हैं। इसके अलावा सवाल किया है अली रज़ा साहब ने लाहौर से, दौलत कब आएगी? प्यारे दोस्त, किस्मत की लकीर अच्छी है, कोशिश और मेहनत करें, इंशाल्लाह दौलत ज़रूर आएगी। अगला सवाल किया है मोहम्मद उमर ने रावलपिंडी से, दौलत है मेरे हाथ में और कब आएगी? प्यारे दोस्त, दौलत आपके हाथ में है और नसीब आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि नज़र बद से अपने आप को बचाएँ, नज़र बद आपके मामलात को बिगाड़ रही है।
इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।